आज संडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में मैं एक स्टफ्ड पराठा बना रही हूँ, और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे शलगम, ग्रीन पपाया और गाजर का बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया था। और अब मैं उसमें नमक और चाट मसाला पाउडर मिला रही हूँ, और ये कच्चा ही है, मैंने इसको कुछ भी नहीं किया था। बस इस मसालों के साथ एक मिक्सचर बना लूँगी एंड देन आई विल स्टफ़ इट इनटू द डो, और फिर मैं पराठा बना लूँगी विद घी। पराठे को मैं सर्व करूंगी रायते के साथ, तो उसके लिए मैं ये दही विप कर रही हूँ, और जो स्टफिंग के लिए मैंने जो मिक्सचर बनाया था उसी मिक्सचर का जो थोड़ा सा बच गया था उसी को मैं दही में ऐड करके ही एक बहुत ही फास्ट एंड इजी टेस्टी रायता बना लूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है संडे और अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं एज यूजुअल टू द मॉल। कल रिपब्लिक डे था, मैंने काफी सालों बाद कल शुरू से लेके एंड तक टीवी में आई एंजॉयड वॉचिंग द रिपब्लिक डे परेड। और काफी सारे इस बार न्यू वुमेन लीडर्स को इन्होंने इंक्लूड किया, तो इट्स ऑब्वियसली अ बूस्ट टू ऑल अस वुमेन। मैं तो कल नहीं निकली थी, बट या अभी हमारे जो कॉम्प्लेक्स में एक बहुत ही अच्छा सेलिब्रेशन होता है फॉर द रिपब्लिक डे, तो ही हैड गॉन ओवर देयर, तो उसके थोड़े बहुत क्लिप्स मेरे लिए लेके आए, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और अभी हम लोग आज लंच कर चुके हैं, बट इट वॉज यू कैन से क्विक फिक्स, या फिर 15 मिनट्स लंच, आई कैन से 15 मिनट के अंदर ही मैंने लंच बनाया था। तो आज बना है पुलाव, वेज पुलाव अलॉन्ग विथ सम कॉलीफ्लावर करी। कुछ नहीं, दोनों तरफ कुकर में मैंने फटाफट बना लिया, एक तरफ पुलाव बनाना शुरू कर दिया, दूसरी तरफ से गोभी की सब्जी, तो दोनों रेडी। तो ऑल गट इट डाउन, और अभी हम लोग जा रहे हैं DLF एज यूजुअल। और आज फिर से मटन रान मुझे खाने का मन है, तो देखती हूँ मिलता है कि नहीं। अगर मिलता है तो आज इवनिंग में बनाऊंगी, और कुछ मंडे के लिए रख दूंगी, तो एटलीस्ट मंडे आफ्टरनून विल बी सॉर्टेड आउट और मैं कुछ एक्स्ट्रा और काम कर सकूँ।
और होपफुली आप लोगों ने मेरा होम टूर देखा होगा, नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्रीवियस वाला वीडियो वही था। मुझे आप लोगों से बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले जो मुझे पढ़ के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। एंड या देर आर मेनी न्यू एंड वेरी लवली सब्सक्राइबर्स राइट नाउ ज्वाइनिंग इन, तो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माई न्यू सब्सक्राइबर्स। और जो मेरे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स है, यू ऑल नो दैट देयर इज ऑलवेज अ लॉट ऑफ लव एंड डेफिनेट हग्स फॉर यू ऑल ऑलवेज। और हाँ, एक चीज आज ऐड करना चाहूंगी, टुडे वी ऑल आर वेयरिंग आर नेशनल फ्लैग कलर ड्रेस। मतलब ये मैंने जानबूझ के कोऑर्डिनेट किया है, मैंने पहना है ग्रीन कलर का कोट एंड ब्लू कलर का लेगिंग्स एंड ऑरेंज कलर टॉप एंड एन ऑरेंज लिपस्टिक टू मैच। हिया इज वेयरिंग अ व्हाइट कार्डिगन विद ब्लू जीन्स एंड उसने हेयर क्लिप्स लगाए हैं ब्लू ग्रीन एंड ऑरेंज में। और हवी इज वेयरिंग अ ब्लू जीन्स विद एन ऑरेंज स्वेटर। तो अभी मैं तीनों को एक साथ लाती हूँ, आप लोग देखना, इंटरेस्टिंग लग रहा है। और मैंने ये शायद फर्स्ट टाइम किया इस तरह से कि तीनों को एक साथ फ्लैग के कलर्स के साथ ऐसा कोऑर्डिनेट करके ड्रेसेस मैंने आज सिलेक्ट किया है। तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, होपफुली आपको भी लगे। तो पहले मैं आप सबको एक बार एक हम तीनों का लुक दिखाती हूँ एंड देन लेट्स गो टू द मॉल। नोएडा का मुझे बेस्ट पार्ट लगता है उसका ग्रीनरी। मतलब इतना ज़्यादा यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी है, इट्स कम्प्लीटली सराउंडेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रीज। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर इज आल्सो एट इट्स बेस्ट। मैं इतने सारे मेट्रोस में रह चुकी हूँ, फॉर एग्जांपल कलकत्ता, बॉम्बे, गुड़गांव, और मैंने काफ़ी सारे मेट्रोस देखा भी है जब हम लोग घूमने गए थे। बट out of all the cities I have stayed or visited, मुझे नोएडा any day the best लगता है, क्योंकि it's full of greenery, full of trees and flowers and even very beautiful birds are also over here. But साथ में infrastructure ये बहुत ही अच्छा है, तो I just love staying in this city. हेलो फ्रेंड्स, एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट एक घंटा हो गए वापस आए हुए फ्रॉम DLF मॉल एंड टुडे आई एम फीलिंग लिटरली वेरी टायर्ड। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आके तो हेल्थ ड्रिंक अपना लिया जिससे कि थोड़ा एनर्जी मिले। और साथ में ही मैंने आई फर्स्ट मैरिनेटेड माई मटन वेल, मैंने मसाला रेडी कर लिया, राइस चढ़ा दिया है, तो राइस इज ऑलमोस्ट कुक। अब मैं उसको ड्रेन करने के लिए डाली हूँ, मटन भून रहा है। बट टुडे थोड़ा टायर्ड लग रहा है, बेसिकली टायर्ड मुझे लग रहा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है बिकॉज इट वॉज टू क्राउडेड। आजकल लगता है संडे के टाइम थोड़ा जाना मुश्किल ही हो रहा है मॉल में, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इंटायर नोएडा हैज़ डिसेंडेड ओवर देयर। बट आई गेस देयर इज अ रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि बहुत सारे सेल चल रहा है, जितने भी मॉल्स में शॉप है मोस्ट ऑफ देम आर रनिंग सेल। और साथ में जो बिग बाजार है वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा रश है, बिकॉज 24th से लेकर 27th तक, दैट इज टुडे, एक्स्ट्रा कुछ डिस्काउंट्स वगैरह भी दे रहे थे, तो मॉल इज लाइक पैक्ड। ये सेल चल रहा, थोड़ा देखे क्या है। तो एक बार तो MNS देख चुकी हूँ, बट आज ज़ारा भी गए थे, तो बिकॉज लग रहा था कि बहुत ज़्यादा रश है, तो ऐसा लगा देखते हैं, ट्राई करते हैं कुछ अगर अच्छा मिले। तो हिया के लिए तो उतना कुछ खास मिला नहीं है। मैंने एक चीज़ नोटिस किया, सेल में इफ़ यू गो ना तो बहुत कम आपको ऐसा स्टॉक मिलता है विच यू आर एक्चुअली लाइक टू बाय इट, तो बहुत कम ही हम लोग खरीद पाते हैं, उतना पसंद ही नहीं आता है। तो हम लोग को भी बहुत मुश्किल से एक ही मिला है, वन फॉर माई सेल्फ एंड वन फॉर हबी, तो वो लाइक हिया के लिए कुछ भी ढंग का नहीं मिला। तो दिस इज अ फॉक्स लेदर टैन जैकेट, इट्स क्वाइट हैवी और मुझे द क्वालिटी बहुत ही अच्छा लगा।
द एम आर पी ऑफ दिस वॉज 5500, मतलब 5490 टू बी प्रिसाइज, बट वी गॉट इट ओनली इन 1990. तो इट वॉज अ वेरी गुड बार्गेन आई कैन से, क्योंकि हबी को उस वक्त मैंने पहना के देखा तो इट वॉज लुकिंग क्वाइट गुड ऑन हिम. एंड देन आई गॉट दिस रेड स्वेटशर्ट, वी कैन से बहुत ही अट्रैक्टिव कलर लगा. एंड इट इज लिटिल शॉर्ट क्रॉप टाइप है का है जीन्स के ऊपर, या फिर मेरा वो जो ब्लैक स्कर्ट है उसके ऊपर बहुत अच्छा लगेगा. एंड दिस ओनली कॉस्टेड 990 रुपीज और ये शायद 2490 का था, तो ये भी बहुत ही अच्छा एक डील में मिला. ऐसा लग रहा है कि पहन के बहुत ही कंफर्टेबल भी है और इट विल बी वेरी वॉर्म. तो बस यही दो लिया. एंड देन वी वेंट टू बिग बाजार. आई ऑलवेज वेन एवर आई गो टू बिग बाजार DLF मॉल में आई ऑलवेज हैव सम ऑफ द अदर स्वीट्स, बिकॉज द स्वीट स्प्रेड ओवर देयर इज टू गुड. फिर वहां से हम लोगों ने स्वीट्स खाया एंड देन वी बॉट सम नॉन वेज इंटायर वीक के लिए, तो 7 to 8 days तो आराम से चला जाएगा. तभी वो ये मटन बना रही थी और बस यही था. एक्चुअली ना मुझे फिल्म मनी करनी का देखना था, बट द रिव्यूज व्हाट आई एम हियरिंग फ्रॉम मीडिया, मतलब नेट से या ऐसे भी, उतना अच्छा नहीं मुझे मिल रहा है. प्लस जो कुछ पहचान के भी हमारे एक दो जन ने देखा है, दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग दैट गुड रिव्यू. तो मुझे लगा था कि मैं ये संडे शायद देखूंगी, वो बहुत इंटरेस्ट था देखने में बट नहीं देखा मैंने. आई विल वेट फॉर अ वीक, देखते हैं और लोग क्या बोलते हैं, देन आई विल डिसाइड. बट अगर आप लोग में से किसी ने देखा है तो प्लीज मुझे बताना, देखना चाहिए कि नहीं. और किचन इज टोटली इन अ मेस राइट नाउ, काफी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए, उसको पहले मैं क्लीन करूंगी और तब तक कुकिंग भी कंप्लीट हो जाएगा. तो जस्ट ट्राइंग टू मल्टीटास्क बिकॉज टुडे इज संडे एंड आई डेफिनेटली हैव टू बी फ्री टिल द टाइम इट्स 9:30. तो अभी मेरे पास 1 घंटा 15 मिनट और है, 8:15 होने को है अभी. तो तब तक होपफुली मेरा हो जाएगा एंड आई बी वेरी इजिली एबल टू वॉच इट. तो पहले चलो किचन में काम करके आओ और आप लोग भी चलिए मेरे साथ, देखिए कैसा है मेरा भी किचन का हालत और बहुत सारा काम भी करना है. मुझे आप लोग को ये एक और चीज दिखाना था. दिस इज डी स्कैल, दिस इज डी स्कैल फ्रॉम IFP और ये मैं यूज करती हूँ अपने डिश वॉशर एज वेल एज वॉशिंग मशीन बोथ के लिए. एक्चुअली ये डी स्कैल बहुत जरूरी है डिश वॉशर के लिए. अरे मटन का कुकर से आवाज आने वाला है, मटन पक रहा है. तो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिमूव ऑल द लाइम स्केल फ्रॉम योर डिश वॉशर एज वेल एज वॉशिंग मशीन. मैं वॉशिंग मशीन में 2 महीने में एक बार इसको यूज करती हूँ और अगर मैं रेगुलर डिश वॉशर यूज कर रही हूँ, जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ विंटर्स में, तो मैं मंथ में एक बार जरूर यूज करती हूँ. एंड दिस इज वन पैकेट इज एक्चुअली 170 रुपीज, बट ये बहुत ही जरूरी है हमारे डिश वॉशर के लिए, क्योंकि एज यू नो वॉटर ओवर हियर स्पेशली दिल्ली एंसर बहुत ही खराब है. कीप योर मशीन इन अ गुड पोजिशन फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो ये बहुत ही जरूरी है एटलीस्ट 45 डेज या फिर 30 डेज में करने का. तो ये मैं कल करूंगी. सबसे जो हाइएस्ट मोड है डिश वॉशर का, दैट इज 2 hours 36 minutes इज द मैक्सिमम वाला जो प्रोग्राम है उसमें डालूंगी. तो फिर ये क्लीन भी हो जाएगा और फिर मैं टुमारो नाइट या फिर डे आफ्टर टुमारो से फिर से यूज कर पाऊंगी. तो जिन लोगों के पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है या फिर टॉप लोड, आई गेस आप लोग भी अगर इसको यूज करोगे तो आपका जो मशीन है उसके लिए काफी अच्छा रहेगा.
तो मटन इज कुक्ड, गैस मैंने ऑफ कर दिया है, अभी बस थोड़ा वेट करना है प्रेशर रिलीज होने के लिए. एंड आई हैव वॉश्ड ऑल द यूटेंसिल्स ऑल्सो, और प्लेटफॉर्म भी क्लीन कर दिया है. तो फिलहाल तो किचन का काम खत्म, और अब जाके फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं हबी का वो जैकेट एंड जो हम लोग पहन के गए थे वो ठीक करूंगी. एंड देन इट विल बी टाइम फॉर डिनर एंड देन फॉर माई शो. तो चलिए पहले जैकेट को ठीक करके रखा जाए. हिया मैडम इज वॉचिंग टीवी एंड दैट टू एन एक्शन मूवी. एक्चुअली इन लोग दोनों बाप बेटे यही सब कर रहे थे. ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, सबका जीन्स पड़ा है यहाँ पे, सब मुझे उठाना है. या शी लव्स वॉचिंग एक्शन मूवीज. मैंने आज तक ये सेकेंड वाला वार्डरोब नहीं दिखाया है. इट्स एक्चुअली स्टफ्ड विद ऑल हिज विंटर वेयर्स. और खासकर मैं पहले सूट्स आई यूज्ड टू पुट देम इनसाइड द बेड जब विंटर्स चला जाता था, बट मैंने देखा था कंधे की तरफ कई बार या फिर कुछ नीचे प्रेस खराब हो ही जाता था. तो इन दैट वे आई थॉट कि ये वाला मैंने पेपर फ्राई से लिया था वार्डरोब, बहुत ही कम रेट में मिला था. एंड दिस इज टोटली डेडिकेटेड टू ऑल हिज सूट्स. ये वाला जो फर्स्ट है मैं अभी दिखाती हूँ आपको, ये वाला जो फर्स्ट लेयर दैट इज टोटली डेडिकेटेड टू हिज सूट्स, और नीचे उनके जैकेट्स, और इसके नीचे भी दो ड्रॉअर टाइप है, उसके भी दो ड्रॉअर रैक्स आई कैन से शेल्फ. तो उनमें से एक जो शेल्फ है वो थोड़ा सा अटक गया है, मतलब आसानी से निकलता भी नहीं, अंदर भी नहीं जाता. तो उसमें मैंने अपने कुछ हैंड बैग्स रखे हैं विच आई डोंट यूज दैट मच, बहुत ही कम यूज करती हूँ. उनमें से आज मैंने एक यूज किया था, वो जो ब्लू वाला हैंड बैग था, बहुत ही रेयरली यूज करती हूँ. थोड़ा उसको अच्छे से मेंटेन करती हूँ, एकदम कवर अवर करके अभी करूंगी वापस उसको, फिर रखना है. तो आई कीप ऑल दोज ओकेजनल हैंड बैग्स विच आई यूज, उनको मैं यहाँ रखती हूँ. और एकदम नीचे अगेन देयर आर सम स्वेटर्स ऑफ हिज, तो आई जस्ट शो यू, इट इज फुली जैम पैक्ड. और बट यार वेरी यूजफुल. तो मैंने आज तक दिखा नहीं, मैं आपको भी दिखाती हूँ. तो ये है सारे सूट्स, और ये अभी आज का नया जैकेट. एंड हियर्स रेड कोट इज ऑल्सो ओवर हियर, क्योंकि वो भी काफी लंबा है. तो सारे सूट्स एकदम भरा हुआ है, टाइटली पैक्ड. और ये सारे उनके जैकेट्स हैं, ऑफिशियल जैकेट्स एंड सम स्टोल्स एंड मफलर्स. तो इस तरह से ये वाला फुल रैक भी एकदम ठसाठस भरा हुआ है. और उसके नीचे देयर आर दीज टू ड्रॉर्स. सो द लोअर ड्रॉअर एज यू कैन सी आर ऑल हिज स्वेटर्स. अभी थोड़ा सा इधर उधर हो गया, उनको ठीक करना है. एंड दीज आर ऑल माई बैग्स एंड ऑल. तो थोड़ा सा अटक जाता है तो उसको थोड़ा निकालना और अंदर रखना मुश्किल होता है, तो इसलिए आई हैव टेकन दैट अपर शेल्फ. तो दीज बैग्स आई डो नॉट यूज एवरी डे, तो इनको मैंने यहां पे रखा है. तो आज का ब्लू बैग भी मैं यहीं पे सेट करके वापस रख दूंगी. सो दिस इज द लुक ऑफ हिज वार्डरोब, सेकेंड वार्डरोब. और ये था हमारा आज का डिनर, मटन करी एंड राइस. Ha 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 ha!
हमारे जैसे भी होते हैं, रेनू, कपिल, बंटी। रेनू मेरी मम्मा का नाम है। यार बच्चों की मम्मियों के नाम बड़े अच्छे थे, जैसे मैं फंस गया हूँ, मेरे को माफ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। हाउ आर यू जीना? ओके गाइस, तो अब मैं चली सोने, बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट 11:20 राइट नाउ। और मैंने कपिल शर्मा शो काफ़ी इन्जॉय किया, और आज मैंने एकदम 9:30 टू 11 ओ क्लॉक एकदम करेक्ट टाइम पे जाके मैं बैठ गई थी, तो डिडेंट मिस इवन अ सिंगल मिनट। बट हाँ, आज फिर और वॉक पे नहीं जा पाई, बहुत टायर्ड भी लग रहा था, तो फीलिंग वेरी वेरी गुड। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर वॉचिंग दिस कॉमेडी शो आई फील रियली वेरी रिलैक्स्ड, वेरी एनर्जेटिक मेंटली स्पेशली, और बहुत हैप्पी फील करती हूँ। तो यही था मेरा आज का दिन, संडे खत्म। तो मिलती हूँ मैं फिर से आपके साथ एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, सी या, हैप्पी लिविंग।